नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक और बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो रिव्यू के आज के इस सेशन में रिव्यू करने वाला हूँ बंटी और बबली 2 के फर्स्ट सिंगल सॉन्ग का। सॉन्ग का टाइटल है टैटू वाली है। इस गाने में आपको जो सिंगर्स नजर आएंगे तो वो सिंगर हैं प्रदीप सरन ने गाया ये गाना और गाया है नेहा कक्कड़ ने, दोनों ने साथ में। तो देखो बात यह है, ये गाने की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इस गाने को काफ़ी लग्जूरियस लेवल पर प्रोड्यूस किया गया है, बहुत ही अच्छे से इसको डायरेक्ट किया गया और एक तरह से कहो तो कोरियोग्राफी इस गाने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लिरिक्स भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, मुझे अच्छे लगे। एक इंजॉयबल सॉन्ग कैसा होता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसी तरीके का ये गाना है। उसके बाद जो डांसिंग स्टेप्स खासकर जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी को दिए गए हैं, मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी, उनके जो हाइट है उस पर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है उनका डांसिंग स्टेप। उसके बाद सैफ अली खान, कोई नहीं कह सकता था 10 साल पहले तक कि ये इतना ज़बरदस्त एक्टर बन के आज के ज़माने में आएगा, लेकिन उनकी एक्टिंग, उनके डांसिंग स्टेप्स भी मुझे अच्छे लगते हैं और वो अच्छे और बस उनका स्वैग ही अलग तरीके का है यार। सैफ अली खान का स्वैग ही अलग है। उसके बाद बात आती है रानी मुखर्जी, यार उनको यार वो तो नेचुरल ब्यूटी है मुझे लगता है और उनका लुक बहुत ही स्वीट आ रहा है इस गाने में भी। उसके बाद जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ जो एक और फीमेल लीड है जो फेक बबली का रोल कर रही है, उनका मुझे पर्टिकुलर नाम नहीं पता, लेकिन उनके भी डांसिंग स्टेप्स बहुत अच्छे थे। तो ओवरऑल जो गाना है, गाने के लिरिक्स अच्छे हैं, गाने को एक काफ़ी जो प्रोडक्शन वैल्यू है गाने की वो बहुत अच्छी है, डांसिंग स्टेप्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं सारे एक्टर्स के। तो ओवरऑल जो गाना एक अच्छा डिसेंट इंजॉयबल सॉन्ग बनकर आता है। तो अगर आपने सुना है बंटी और बबली 2 का फर्स्ट सिंगल सॉन्ग जिसका नाम है टैटू वाली है, तो बताइएगा ज़रूर ये गाना आपको कैसा लगा।